तो रेसिडेंट एविल 8 में ईथन की बेटी यानी कि रोज के हमें दो बॉडी पार्ट मिल चुके हैं। सबसे पहले तो हमें उसका जो सर है वो हमें मिल चुका है और जो उसके पैर हैं जो कि फ्रोजन हैं वो भी हमें मिल चुके हैं एक येलो कलर की बोतल में। बट यहाँ पर अभी हमें दो पार्ट और लेने के लिए जाने हैं उसके। मेरे हिसाब से एक तो उसके होंगे हाथ और दूसरा होगा उसका लाइक बॉडी पार्ट या फिर उसे कह सकते हैं स्टोमक। वो जो है पार्ट अभी मिलने वाला है हमें एक हाइजनबर्ग के पास और एक जो है मोराको नाम के किसी कीड़े के पास यानी किसी लॉर्ड के पास। तो अभी ना हमें सबसे पहले वहीं पर जाना है, मोरियाओ के पास जाना है उसका जो बॉडी पार्ट है ना उसको लेने के लिए, क्योंकि उसी के बाद ना यहाँ पर जो अपनी ईथन की बेटी रोज है वो यहाँ पर जिंदा कर सकती है मदर मिरांडा। तो फटाफट से आज जो है वहीं पर हम उसके बॉडी पार्ट लेने के लिए जाने वाले हैं। तो फटाफट इस गेम को यहाँ पर स्टार्ट कर लेते हैं और जल्दी से मैं अपना जो हेडफोन है ये भी यहाँ पर लगा लेता हूँ। ऑलराइट, तो जैसा अभी आप यहां पर देख सकते हैं यहां पर बैठा है अपना प्यारा सा ड्यूक, जिससे कि मैंने काफी सारी जो चीजें हैं वो यहां पे ले लिया है, जैसे कि स्नाइपर वगैरह जो है मैंने काफी ज्यादा जो है अपग्रेड करा लिया है। तो लास्ट टाइम मैं गया हुआ था ये वाले गेट पे, हाँ, तो आज मुझे जाना है ये वाले गेट पे, क्योंकि अगर मैं इस वाले गेट पे जाऊंगा, एक सेकेंड, मैं गेट पे जाऊं या फिर वापस से यहां पर जाऊं, क्योंकि मुझे ना इस घर की जो चाबी है ना ये भी जो है मुझे मिल चुकी है उसी से। तो मेरे हिसाब से सबसे पहले ना मैं इस चाबी को लेके इसको खोल के आता हूँ, जो दो लॉक पे है ना इनको भी जरा फटाफट से खोल के आता हूँ, शायद से इनके अंदर यहाँ पर कुछ काम की चीज़ मुझे मिल सकती है। तो जल्दी सबसे पहले यहाँ पर जाने के बजाय मैं ना शहर के अंदर चलता हूँ यानी कि इस गाँव के अंदर। ऑल राइट, तो मुझे मैंने ये वाला जो गेट है ना इसको तो मैंने अनलॉक कर ही दिया था, मेरे हाथ में शॉटगन तो है ही यानी कि मुझे किसी से डरने की बात नहीं है। ओके, यहाँ पर एक कुआं भी था ना, कुआं तो मुझे यहाँ पे नज़र नहीं आ रहा है, बट यहाँ कुछ पड़ा है गन पाउडर जिससे कि मैं चीज़ों को बना सकता हूँ। हाँ, मुझे यहीं से जाना पड़ेगा क्या? नहीं नहीं, मैं मेन गेट से भी जा सकता हूँ। इनको अगर मैं मारूँ तो क्या होगा, कुछ मिलेगा क्या? नहीं मिलने वाला फालतू में मैंने, ए नहीं नहीं मिल रहा है, मिल रहा है पोल्ट्री मिल रही है, इसको मैं बेच सकता हूँ अपने प्यारे से ड्यूक को ली के बदले। अबे गेट था ना इधर, नहीं 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 मैं गलत घर में आ चुका हूँ, ये रेड चिमनी वाले घर में नहीं जाना था मुझे, मुझे जाना था उस गिटार वाले घर में, और जो गिटार वाला घर है वो मुझे मिलेगा यहाँ पे, यानी कि मुझे यहाँ से जाना पड़ेगा। हाँ, यहाँ पर है वो दरवाज़ा जिसको कि मुझे ओपन करना है मेरी वाली चाबी से। ये रही ल्यूथर्स के की, खुल जा। ऑल राइट, खुल गया है फटाफट, देते छान भी नहीं है ना, ये मैं चालू कर देता हूँ। एमओ मिली है इसके अंदर, यहाँ पर कुछ नंबर लिखा है 1625 है, 1625 ली 8 तारीख को, पता नहीं कैसी ना। ऑल राइट, ये पता नहीं क्यों लिखा हुआ है यहाँ पे हैप्पी बर्थडे 27/9/17। ऑल राइट, 27/9/17 यहाँ पर अजीब अजीब क्लूस मिल रहे हैं मुझे ना, क्लू मिल रहा है इधर गिटार वाले का घर है और यहाँ पे चाबी लॉक है। तो मेरे हिसाब से दो जो ये दो कोड मिले ना ये मेरे हिसाब से डल सकते हैं, और सबसे पहला कोड ना मैं इसको डालूँगा 27/9/17। हाँ, 27/9/17 पहले डाल के देख लेता हूँ। ऑल राइट, तो यहाँ पर मैंने डाल दिया है 27/9/17 और यहाँ पर ये ओपन हो चुका है। इसके अंदर से क्या मिला, स्टील, ठीक है। इसके अंदर क्या है, F2 राइफल हाई कैपेसिटी मैग, एक सेकेंड, ये हाई कैपेसिटी मैग है यानी कि कहीं ना कहीं लग सकती है, किधर गई ये रही, इसको मैं इक्विप कर लेता हूँ इसमें। ऑल राइट, अब इसकी जो एमओ है ना ये भी बढ़ गई होंगी काफ़ी ज़्यादा, 13 एमओ हो चुकी है, पहले कम थी। चलो, यहाँ पर और कुछ तो नहीं है, ठीक है, ओके। तो इस टाइप की जो चेस्ट है ये मुझे यहाँ पर मिलेंगी, और इन चेस्टों में ना मुझे वैसे आइटम्स मिलेंगे, समझ गया मैं। अभी यहाँ पर एक कुआ है, तो कुएं से होते हुए चलते हैं, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी सारे कुएं हैं इस विलेज में, एक दो तीन तीन चार चार कुएं तो हैं यहाँ पे, तो अगर रास्ते में मिल जाएंगे तो कुएं को भी देख लेंगे। ऑल राइट, तो अभी ना मुझे वहाँ पर जाना है उस मोरियाओ के पास। मोरियाओ नाम है क्या है उसका, किधर है उसका घर, एक सेकेंड, उसका घर किधर है, यहाँ होना चाहिए लेकिन यहाँ पर दिखा क्यों नहीं रहा अब। हाँ, यहाँ पर है, क्या नाम है, मोरियाओ, हाँ यही नाम है, और उसके लिए मुझे जाना पड़ेगा यहाँ से। तो फटाफट से देरी किस बात की, यहाँ पर लगाता हूँ चाबी और यहाँ से चलता हूँ इसके अंदर। चलो, खुल जा। मैं चार चार गेट दिए हुए हैं एक ही जगह पे। ओ ओ भाई, ये कौन सा, नहीं ये भालू नहीं है, कुत्ता है ये, नहीं कुत्ता भी नहीं लग रहा भाई, ये ब्लैक कलर का कुत्ता कैसे, उसका खून भी ब्लैक है,
ये भाई कुछ अजीब है, अब इसके साथ फाइट करनी पड़ेगी मुझे, मेरे हिसाब से मुझे ऐसा लग रहा है भाई। इसने तो मतलब ईथन की ना पैर नहीं छोड़े किसी ने, हाथ नहीं छोड़े किसी ने, कुछ नहीं छोड़ा बेचारे ईथन का। तेरी तो तेरी रुक जा, तू रुक जा, तेरी निकल इधर से, भाग इधर से भाग भाई। अब इससे फाइट करनी पड़ेगी। यहाँ कुछ है क्या काम का, इसके पास कुछ है? और राइट, तो इस चिट्ठी में लिखा था कि ये ना एक वुल्फ तो नहीं है, इतना पक्का है। और यहाँ पर ये ना एक डॉग भी नहीं है, मतलब एक डॉग है। और ये वाटर मिल बोल रहा था, वाटर मिल के पास जाना, बट वाटर मिल मुझे दिखाई क्यों नहीं दे रही? वाटर मिल कहाँ पे वे? एक सेकेंड, मुझे कहीं से वाटर मिल ढूंढनी है। वाटर मिल मुझे पता नहीं किधर मिलेगी, बट यहाँ पर एक डब्बा है, उसको मैं तोड़ सकता हूँ। इसके अंदर से मुझे हैंडगन एमो मिल गई है। वाटर मिल भगवान जाने किधर है यार, वाटर मिल किधर है, मैप पे देखना पड़ेगा। हाँ यही है वाटर मिल शायद, इसके अंदर चाबी लगाता हूँ मैं, ये वाली। खुल जा खुल जा खुल जा खुल जा खुल जा, ओके यहाँ पे खुल चुका है। और ये मिल चुकी है मुझे GM79 की एक गन, बढ़िया है। खोल इसको, एक्सप्लोसिव राउंड्स। ये गन तो मुझे सही मिली है, और इसका मैं शॉर्टकट बनाने की कोई ज़रूरत है नहीं। ऑल राइट, तो मैंने इसका शॉर्टकट बना लिया है। आ जा, किधर है ये गेट, खुलेगा क्या? नहीं, ये वाला गेट बंद है। अब ना इसको मैं मज़ा चखाता हूँ, क्योंकि मेरे पास आ चुकी है गन। और पता है वो जो बंदा है ना, जो मरा पड़ा था वहाँ पे, जिसकी मुझे इससे से मुझे चिट्ठी मिली थी, उसके ना पैर काम नहीं कर रहे थे, उसके पैर ना सूज गए थे। किधर है ये? हो रहा, ओ हेलो डॉगू, ये ले, आया मज़ा। ओ भाई भाई, ओ भाई भाई भाई, नहीं 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 नहीं, मरवा दिया मरवा दिया। ये ले तेरी ऐसी कम तैसी, बड़ी जल्दी मर गया शायद से, मैंने बहुत पास से मारा है इस वजह से मर गया, नहीं तो मेरे पास तो 8 एमो थी इसकी, भर देता मैं। ठीक है, तो यहाँ से मेरे हिसाब से मुझे आगे की तरफ जाना है। ऑल राइट, शॉटगन वापस से निकाल लेता हूँ, मेरी प्यारी गन। किधर जाऊँ, इधर जाऊँ? नहीं, यहाँ से चल दूँगा, यहाँ से जाऊँगा तो ज़्यादा बेटर है। यहाँ पे काफ़ी सारे घर हैं, यहाँ पे मैं घुमा फिरा के वहीं पे आ गया। इस ब्लड को फॉलो करता हूँ, शायद इस ब्लड के पास ही जाना हो मुझे। ओए ओहो, क्या कर रहे तुम? अब नहीं उठोगे तुम, पता है हमें। ओ भाई, इसके अंदर और भी है, और है एक और है। पार्टी में स्वागत है आपका, निकलो इधर से। ये पोल्ट्री फार्म है, पोल्ट्री फार्म। ऑल राइट, तो इस पोल्ट्री फार्म में तो कुछ भी नहीं है। और यहाँ से एक सेकंड, यहाँ पे टेप रिकॉर्डर है, क्या कर रहा है इसको ना? मुझे गुस्सा आ रही थी इस पर, वहाँ पे उसके उसके घर पे बहुत दिमाग ख़राब किया था इसने मेरा। बार बार इसमें से ना जो रोज़ है उसकी डरावनी डरावनी आवाज़ें आ रही थी। अरे मैं हूँ किधर यार, मैं घुमा फिरा के वहीं आ गया फिर से। यहाँ तक तो मुझे नहीं जाना है, यहाँ पे हाँ इस रेड ब्लड का जो है मुझे पीछा करता हूँ, शायद इस रेड ब्लड के पास ही कुछ हो। और यहाँ पर एक घर है, हैंडगन एमो, यहीं पर जाता हूँ। हेलो, कोई है क्या? कोई भी नहीं है, लेकिन मेरे हिसाब से मेरी फाइट होने वाली है अभी, क्योंकि मुझे लग रहा है ऐसा। गन पाउडर वगैरह मिल रहा है, एमो वगैरह मिल रहे हैं काफ़ी ढेर सारे। ये जगह अजीब है, लेकिन मैं, अरे यार मैं वापस से वहीं आ गया, मुझे रास्ता एक्चुअली में पता नहीं चल रहा कि मुझे जाना किधर है, क्योंकि यहाँ इस घर के अंदर जाने का कुछ मतलब ही नहीं था। हाँ मुझे ना यहाँ पर जाना है, और यहाँ पर मेरे हिसाब से मैं कुछ छोड़कर आया हूँ, और मेरे साथ चिकन, चिकन में का मैं क्या करूँगा भाड़ में जाए चिकन। ठीक है, तो यहाँ पर तो कुछ नहीं है, बट मुझे जाना है सामने रास्ते, यानी कि मुझे
यहाँ से मैं आया हूँ, मुझे जाना है यहाँ पे। ओके अबे यार ये तो वही रास्ता है। ठीक है मुझे सामने जाना है फिर, बट ये तो मैं टाउन के अंदर चला जाऊंगा ना, और टाउन के अंदर मुझे जाना नहीं है। ठीक है तो मैं यहाँ चलता हूँ, यहाँ पर जाना जो है सही लग रहा है। ओके मेरे हिसाब से ये ना इस गन से फूटने वाला है शायद। ऑल राइट ये रास्ता बंद है बट ये वाला खुला हुआ है। ठीक है ये यहाँ पे ना मोरियाओं का घर ना मुझे ऐसे लग रहा है, यहाँ पर मुझे इस पर तोड़ना होगा। हाँ बंद है। ऑल राइट इसके हाथ में पता है दोनों हाथ बेचारे के कटे हुए हैं, लेकिन तब भी ना बेचारा। ओ ये सुअर मेरे ऊपर हमला करेंगे मुझे पता है, ये ऐसे नहीं मरेंगे। रुक जाओ तुम्हारे लिए खास पिस्टल है मेरे पास, निकलो निकल। अगर मैं इससे आता ना तो मेरे ऊपर डायरेक्टली हमला कर सकते थे। ऑल राइट तो यहाँ पर किसी चक्के के पास जो है मैं आ चुका हूँ। ओहो नीचे जाने का रास्ता भी है यहाँ पर तो, बट एक बार बाहर की तरफ देख लूँ मैं। बाहर की तरफ यहाँ पर कुछ है, इसमें शायद से मैं लगा सकता हूँ ये। नहीं, ये गेट खोलने के लिए मेरे हिसाब से मुझे यहाँ पे कुछ और ढूंढना पड़ेगा, और यहाँ पर भी एक टाइप से बॉल लगेगी जो कि मेरे पास नहीं है अभी, क्योंकि ये भी एक टाइप से छोटा सा पज़ल है। और तो इसके अंदर कुछ है नहीं, यानी कि मुझे ना इसके नीचे की तरफ ही जाना है। तो चलो इसके नीचे की तरफ जो है चल लेता हूँ, बट ये ना मुझे इतना खतरनाक लग रहा है। मोरिया हूँ ना इतना ज़्यादा खतरनाक नहीं, जितनी खतरनाक वो जो डॉल थी ना वो थी। चलो लिफ्ट से नीचे, बेचारा अपने हाथ को ना पूरी तरीके से यूज़ भी नहीं कर पा रहा, क्योंकि उसकी नस वो है ना क्या कहते हैं मसल्स वगैरह ठीक से कनेक्टेड नहीं है। जब तक उसकी पट्टी वगैरह नहीं होगी जब तक कुछ होने नहीं वाला। कितना नीचे है ओ भाई, ये तो ना मेरे हिसाब से कम नहीं तो 6-7 मंजिल नीचे की तरफ आ गया हूँ मैं। 6-7 मंजिल, और ये जगह अलग है। ठीक है मेरे हिसाब से यहाँ पर ना नीचे की तरफ का कोई ट्रेन वगैरह जाती होगी, अंडरग्राउंड ट्रेन। ऑल राइट ओहो यहाँ से आराम आराम से। ओके तो यहाँ पर जो है मुझे मिल चुका, लेकिन सामने की तरफ वो मोरिया हुआ है। एक और फ्लास्क जो है मुझे मिल चुका है, ये इसके अंदर आर्म्स है। हाँ जैसा कि मैंने कहा था आर्म्स है, अभी स्टोमक और बचा हुआ है। अच्छा हुआ मैंने उठा लिया, इसको पता भी नहीं चला। बढ़िया ये क्या कर रहा है उल्टी, क्या हो गया क्या खा लिया तूने? इसने मुझे देख लिया है और इसको पता चल चुका है कि मैंने इसकी रोज का वो ले लिया। She's not hers. Oh, you have something to say? What do you mean, mother's special child? Mother wants her baby back. Don't screw with me. Wait, please. If you take it, then the others will laugh at me. But if I do better than them... What do I care? Wait, just a little longer, please. चाह था क्या, नाटक कर रहा था मेरे हिसाब से, ये नाटक ही कर रहा था। You're stupid. You talk too much. It's all over. I plugged the way in. What? All right. This is my territory. तो इसके हिसाब से मैं यहाँ से बाहर नहीं निकल सकता हूँ, लेकिन मैं मेरे पास गन है, मैं निकलता हूँ इधर से अभी। तुम्हारी ऐसी कम तैसी एस्केप मोड़ जाओ। ठीक है एस्केप तो मैं कर लूँगा यहाँ से, ये तो इतना तो मुझे पता है। तेरी तो निकल इधर से, इसकी आँख इसकी। मुझे जाना किधर से, यहीं से जाना है ना। हाँ
मैं शॉटगन निकाला था ना फालतू में, उसकी गोलियां जो है वेस्ट कर रहा हूँ। ओ भागना पड़ेगा मुझे, भागो 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 भागो। ओके मैं यहाँ से आया था ना, ठीक है, नहीं मैं यहाँ से आया था और इसने बंद कर दिया, यानी कि मुझे यहाँ से जाना पड़ेगा। पहले ही वाला जो गेट है ये लॉक था, बट अभी ये जो है अनलॉक हो चुका है और मैं फाइनली आ चुका हूँ बाहर। ले मैंने कर लिया एस्केप, या फिर शायद नहीं किया हुआ है क्योंकि पूरी जगह पानी पानी है। ठीक है, अब मुझे पता नहीं है कि यहाँ से एस्केप कैसे होगा क्योंकि मैं बहुत नीचे हूँ। लिफ्ट से तो मैं बहुत ना नीचे हूँ जैसा कि लिफ्ट में लिखा हुआ था, बट सामने की तरफ कुछ है। मैं जाऊँ क्या? नहीं, मैं डायरेक्ट नहीं जा सकता। ओ बोट भी है इधर, बढ़िया, बट इसके अंदर कुछ है? ऑल राइट, तो यहाँ पर लिखा है कि जो बोट की चाबी है ना वो शैक में है और यहाँ पर एक काफ़ी बड़ी मछली है इस झील के अंदर और यहाँ पर कोई फिशिंग नहीं कर सकता है, बट मेरे पास चाबी तो है नहीं ना। हाँ मेरे पास चाबी नहीं है, तो मैं स्टार्ट कैसे करूँगा उसको? मुझे चाबी मिलेगी शैक में, और शैक किधर है? एक सेकंड एक सेकंड, शैक किधर है ये मुझे ढूंढना पड़ेगा। इसकी शैक किधर हो सकती है? मैं ऊपर जाता हूँ वापस से, यही तो नहीं है शैक? ये शैक नहीं है, कहीं और है इसकी शैक, और शैक में मुझे ना उसकी चाबी मिलने वाली है बोट की, उसी के बाद जो है मैं बोट के थ्रू यहाँ से निकल सकता हूँ। बट अभी मुझे ढूंढना है कि वो जो शैक है वो किधर है। ऑल राइट, तो यहाँ पर तो मैंने काफ़ी ज़्यादा ढूंढ लिया, बट यहाँ पर जो है मुझे इसकी चाबी या फिर वो जो शैक है वो मुझे नहीं मिल रही है, यानी कि मुझे यहाँ से वापस जाना पड़ सकता है क्योंकि यहाँ तो कुछ है नहीं है, मैं कहीं जा भी नहीं सकता हूँ। तो मेरे हिसाब से मैं यहाँ से आया हूँ ना, हाँ मैं यहाँ से आया हूँ, और यहाँ पे ऊपर की तरफ एक जगह है, शायद से यहाँ पर जो है मुझे चाबी है वो मिल सकती है। एक सेकेंड, हैंड गन एमो, हाँ ये तो वही जगह है ना, हाँ ये वही जगह है, ठीक है ठीक है। ऑल राइट, यहाँ से नीचे की तरफ अगर मैं जाऊँ और यहाँ पे कुछ पड़ा है, क्या है वे? शायद मैंने उठा लिया जो भी है। ये ना इसका इलाका है, तो इसके इलाके में मुझे ज़रा सावधान रहना पड़ेगा। ऑल राइट ठीक है, एक सेकेंड, ये फिर से इनकी पार्टी हो रही है इधर। ओ भाई इतने शांति से आ रहा है भाई, ये शैक किधर है? ऑल राइट, और भी, ओ भाई 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 ये फिर आ गया है। ठीक है, चाबी जो है वो मुझे मिल चुकी है शैक की, मतलब शैक में से चाबी मिल चुकी। ओ भाई और भी लोग हैं यहाँ पे, आ जा, मर गया ना, ठीक है मर गए सबके सब। चलो बोट की जो चाबी है वो मुझे मिल चुकी है, और यहाँ पर इसके अलावा कुछ है? यहाँ पर रास्ता लग रहा है मुझे। ऑल राइट, इसके अलावा यहाँ पर बोट भी है बट ये किसी काम की नहीं है। और सामने की तरफ भी एक कुआ बॉक्स। ऑल राइट, इसके अंदर कुछ और तो यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर भी नहीं है, तो मेरे हिसाब से अभी जो है मुझे बोट के पास जाना चाहिए बोट को चलाने के लिए, बट यहाँ पर अभी भी कुछ चीज़ें हैं जो कि मैंने एक्सप्लोर नहीं की हुई हैं। पता नहीं क्या एक्सप्लोर करने को रह गया है, लेकिन मैं तो यहाँ से निकल रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर और ज़्यादा वो आ गए ना, तो और ज़्यादा परेशानी है, इसलिए यहाँ से निकल लो, उसी में भलाई है। ठीक है, तो भैया मैं तो जा रहा हूँ बोट को लेके, और कुछ होगा तो देखी जाएगी। ये लगाई चाबी,
पेट्रोल तो उसमें हो गई, और अभी मैं मैप में देख लूँ मुझे जाना किधर है। यहाँ से तो रास्ता बंद है। अबे उतरना नहीं है, ओए बैठ इसमें। चलो यहाँ पर मुझे रास्ता लग नहीं रहा है, लेकिन ठीक है जाकर देख सकते हैं। ऑल राइट। ओ भाई ये वही मछली जिसके बारे में बात हो रही थी, मरवा दिया। मैं अच्छा वाला यहाँ आ जाता हूँ शांति से। ओके बोट को लगाता हूँ साइड में और मैं निकलता हूँ यहाँ से पानी से बाहर। बस सही जगह पर हूँ ना मैं, ठीक है। ये बिल्कुल रेजिडेंट एविल 4 में हुआ था, जो भी ये सीन है उसमें भी ऐसी एक वो थी मछली पानी के अंदर जिसको कि मुझे मारना पड़ा था। ओके ये जगह कौन सी है, लेकिन साइंटिस्ट है। और यहाँ पर ये क्या है? ओके ये कौन है? एक सेकेंड, ये साइंटिस्ट क्या कर रहा है इधर? मुझे लगा कोई व्यक्ति बचा ही नहीं यहाँ पे इंसान। ऑल राइट तो यहाँ पर बैठा हुआ है अपना क्रिस, जिसने कि इसकी वाइफ को मारा था। मेरे हिसाब से इथन इसको छोड़ेगा नहीं। You killed Mia. Now do me and finish the job. Hey Captain, I'm getting कर क्या रहा है इतनी देर से यहाँ पे? ये मुझे समझ नहीं आ रहा। तो इनको भी ना यहाँ से बाहर निकलना है। What's moving? Unknown, but my guess is we've been here too long and Miranda knows it. Hey, did you say Miranda? How are you involved? Leave it alone, Ethan. You are out of your depth. What about the sample analysis? It's definitely related to the mold. All right. तो यहाँ पर मेरे हिसाब से मछली का सैंपल लेने आए हैं, ऐसा कुछ? You stay out of our business, Ethan. Okay. All right. Oh. उस मछली ने ना बेचारे अपने ईथन को पानी में ढकेल दिया। पानी भी इतना ग्रीन था ना कि ईथन को कुछ दिखाई भी नहीं देगा इसके अंदर मेरे हिसाब से। हाँ ये सही है, एकदम सही जगह पे आया ये। ऑल राइट एक सेकेंड, ये फिर से आ गया मोरियन। मोरिया नाम है क्या है इसका? मोरियाऊ, हाँ मोरियाऊ। I don't have time for this. ये क्या बीमार है, क्या चक्कर है इसके साथ? Miranda sent you to slow me down. You're pathetic. मेरे हिसाब से इसके पीठ में ना कुछ लदा हुआ है और भाई इसके इसको कंट्रोल कर रहा है। What are you talking about? All right, ए भाई दूर जाके कर यार ये उल्टियाँ। हाँ मैं सही सोचा, इसके पीठ के पीछे ना कुछ लता हुआ है और एक अब होल्ड नहीं कर पा रहा उसको, कुछ कोई कीड़ा वगैरह है कोई। All right, गया पानी में। मेरे साथ जो मछली है ना, ये मछली नहीं है, यही है। All right, ओ भाई क्या कर रहा है, बड़ा बन गया ये। मुझे निकलना चाहिए यहाँ से, नहीं तो ये पूरा का पूरा तोड़ देगा। बच गया, पत्थर को तो नहीं तोड़ सकता, ये लकड़ी को तोड़ सकता है। आए ओहो पूरा पुलिस ने डुबा दिया है, मरवा दिया। What am I supposed to do? मैं क्या करूं? मोरियाओ मोरियास क्लिनिक, क्लिनिक किधर है? अच्छा यहाँ है क्लिनिक इसका। भाई अजीब अजीब जगह है। सबसे पहले तो मैं यहाँ पे होके आता हूँ, क्योंकि ये थोड़ा सा घर लग रहा है ना मुझे, थोड़ा सा सेफ है अगर घर है तो। हो ठीक है। तो यहाँ पर ना मुझे सबसे पहले तो जो विंड मिल है ना उसको यहाँ पे मूव करना है, और मुझे स्टार्ट करना है इलेक्ट्रिसिटी। उसके बाद यहाँ पे मुझे लीवर पुल करना है जिससे कि जो गेट हाउस है ना वो यहाँ पे ओपन हो जाएगा। मतलब ये रही दो विंड मिल, तीन विंड मिल है इधर, एक दो तीन, हाँ तीन विंड मिल है। यहाँ पर एक गेट है,
और मुझे इसको लीवर को ऊपर करना होगा और ये मुझे घुमाना होगा जिससे कि ये विंडमिल चालू हो जाएंगी। और एक गेट हाउस है, ठीक है, गेट हाउस में लीवर है, यानी कि ये है, और मैं पानी को ड्रेन कर सकता हूँ। बट यहाँ पे पावर नहीं है, क्योंकि पावर इसलिए नहीं है क्योंकि यहाँ पर जो विंडमिल है ना ये यहाँ पे बंद है। अब मुझे स्लूज गेट के पास जाकर जो इलेक्ट्रिसिटी है उसको यहाँ पर मुझे करना पड़ेगा ऑन, समझ गया मैं। और स्लूज गेट किधर मरेगा अब ये है, किसकी आवाज थी ये, एक सेकेंड, इसके अंदर क्या है, केमिकल फ्लूइड। ऊपर जाऊं, देखो विंडमिल तो सामने की तरफ है और मैं यहां से आया हूं और यहां पर भी गेट है। ऑल राइट, तो यहां पर जो है मैंने इसे थोड़ी वेपन्स वगैरह अपग्रेड करा लिया और मुझे पता चल चुका है कि यहां पर जो है मुझे करनी है विंडमिल चालू, जिससे कि पावर आएगी और पावर आएगी तो यहां पर चीज़ें काम करेंगी। और मेरे हिसाब से जो स्लूज गेट है ना वो यहां पर पीछे की तरफ से, यानी कि यहां से होगा, क्योंकि यहां से ऊपर जाने का रास्ता मुझे लग रहा है जो कि विंडमिल के पास जा रहा है, यानी कि यहां से कुछ ना कुछ ज़रूर हो सकता है। तो इसके अंदर क्या है, ऑल राइट, तो यहां पर जो क्रैंक है ना वो ओल्ड हो चुका है और कभी भी बस्ट हो सकता है, ऐसा इस लेटर में लिखा हुआ है, ठीक है। इसके अंदर क्रिस्टल फ्रैगमेंट जो है मुझे मिल चुका है। अब मुझे जो क्रैंक है ओल्ड हो चुका है, इस विंडमिल के ऊपर भी एक क्रैंक है, क्रैंक मेरे हिसाब से यही होगा, एग्जामिन, ऑल राइट, ठीक है यही वो, ओके तो ये ओल्ड हो चुका है, ये वही क्रैंक है। अब मुझे इसका दूसरा क्रैंक लेके आना पड़ेगा, सीरियसली, समझ गया मैं, मुझे पहले पता था तो मैं क्यों नहीं गया पहले ऊपर। ओ भाई नीचे नहीं जाना, ऊपर जाना है, ऊपर तो नहीं है, ओह बच गया मैं। एक सेकंड, मेरी हेल्थ तो सही है ना, मेरी हेल्थ सही नहीं थी लेकिन मैंने थोड़ा सा वो लगा लिया है क्योंकि उसने ना मुझे मार दिया था इसी चक्कर में, मतलब वो जो अपना डॉग था ना उससे मैं पिट गया था, इसी के चक्कर में नाटक हुआ था। अब मैं क्या करूँ इधर, अब यहाँ कहीं से जो है मुझे जो क्रैंक है वो ढूंढना है। ऑल राइट, इसको मैंने गिरा तो दिया लेकिन होगा क्या इससे, ओके यहाँ से रास्ता है, पे हैंड गन एमो नहीं चाहिए, मुझे चाहिए क्रैंक, समझ रहा है कि नहीं। ओ हो नहीं नहीं भाई, आराम से, ओ भाई बच गया मैं। इसको मैं उड़ा क्यों नहीं देता, मैं उड़ा दूँ क्या इसको, बस गन तो है ही, आ जा बेटा बाहर निकल, अब निकल तू बाहर, एक बजाऊँ, आ जा किधर है, ये ऐसे नहीं मरने वाला जहाँ तक मुझे लग रहा है, इसको जाने देता हूँ मैं भाड़ में, अपना काम करता हूँ मैं। तू निकल जाए इधर से, बस मैं इधर आ चुका हूँ, लेकिन यहाँ से मुझे क्या मिलेगा, हाँ क्रैंक, ये क्या है, ऑल राइट, तो मैंने इसको पुश कर दिया है। देखो भाई पानी में तो मैं जा नहीं रहा डायरेक्ट, ये क्या है, एक टाइप से लीवर है, ओ भाई इसके अंदर कितने सारे कीड़े हैं, कोई दिक्कत नहीं है, क्या हुआ, ऑल राइट, यहाँ पर ही तो आ चुका है लेकिन मैं कैसे जाऊँ, क्या हो रहा है ये मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। ओ भाई पानी में जाऊं, अरे यार
हाँ यहाँ से जल्दी 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 बढ़िया होगा क्या इन सब से मैग्ना मैमो मैं क्या करूं एक्चुअली मुझे पता ही नहीं चल रहा है कि मैं करने क्या आया हूं इधर ठीक है ठीक है इस साइड का हो गया ऑल राइट समझ गया मैं मुझे इस साइड से जाना था और मैं आ गया हूँ इस साइड में ओहो तेरी तो चुप हो जा तू ऑल द बेस्ट वाले ऑल राइट ये तो मुझे ना परेशानी करके रख देगा मैं बार बार जिधर जा रहा हूँ ये बार बार आ रहा है आ जा सामने से आएगा ना आ जा तेरी तो ऐसे कम तैसी तू आ जा एक बार निकल अभी तू इधर से फटाफट भाड़ में जा भी तू मैं पहली फुर्सत में यहाँ से निकला जा रहा हूँ बच गया मैं ओके तो मैं यहाँ तक आ चुका हूँ बट यार ये जो विंड मिल है ना ये तो यहाँ पे चालू हो ही नहीं रहे हैं ओके इसको भी मुझे नीचे की तरफ डालना पड़ेगा जिससे कि मैं इसके सहारे वहाँ जा पाऊँ ऑल राइट मैं एक और जगह पर आ चुका हूँ और ये जगह भी वैसे ही है ओके तो मैंने ना यहाँ पे दो रिजर्वायर डाल दिए हैं और अभी मेरे हिसाब से मैं यहाँ पे नीचे की तरफ जा सकता हूँ भागो 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 चलो मैं आ चुका हूँ यहाँ तक यहाँ की चीज़ें जो है हट चुकी हैं अब यहाँ से किधर जाना है हाँ ऊपर की तरफ मैंने सीढ़ी देखी नहीं ये विंडमिल चालू कैसे होंगी ओके यहाँ से हो सकती है ये क्या है ऑल राइट ये जा ओके क्या जहाज आ गया ना ऊपर और तो यहाँ पे कुछ है नहीं ठीक है यहाँ से जाता हूँ मैं नीचे की तरफ ओके अबे चलो मैं आ चुका हूँ और मेरे हिसाब से मैं दूसरी विंडमिल पर आ गया क्या चक्कर है मैं यहाँ पे दूसरी वाली विंडमिल पर आ चुका हूँ मेरे हिसाब से यहाँ पर जो क्रैंक है वो यहाँ का क्रैंक सही होगा विंडमिल घूम रही है ओके तो विंडमिल स्टार्ट हो गई है ओहो तेरी ऐसे कम तेज तू आ जा तू बहुत ज़्यादा बन रहा है ना आ जा तू कहाँ से आएगा मुझे लग रहा है कि गिरा देगा ऑल राइट तो मैंने ना इसके अंदर क्रैंक लगा दिया है और अभी मैं इसको घुमा रहा हूँ पहले तो ये ऑप्शन नहीं आ रहा था घुमाने का लेकिन अभी आ रहा है तो अच्छी बात है घूम गई है और यहाँ पर जो सीढ़ियाँ आ रही थी हाँ वो भी आ गई हैं सही है भाई ये जो मछली है ना इसको गिराना दे पूरी की पूरी विंडमिल को अभी गेट है नहीं गेट नहीं इधर गेट किधर है फिर मैं आया काय को ऊपर हाँ ये इससे उसको सामने की तरफ जाने के लिए परफेक्ट ओहो हाय किए मुझे चलो ये एकदम शॉर्टकट एकदम सही है अभी जो क्रैंक है वो मैं यहाँ पे इसको यूज़ कर सकता हूँ क्रैंक किधर गया ये रहा
वाला जो क्रैंक था ना वो तो टूट गया था मेरे हिसाब से। अभी दो जो विंड मिल ना ये यहाँ पे चालू हो चुकी है, अभी एक विंड मिल और बची हुई है। चालू हो गई ना? ओके पावर आ गई, बढ़िया। ओपन द स्लीव्स गेट, ये तो मैं आराम से ओपन कर दूंगा। बस यहाँ पे जो काम है ये हो चुका है और मेरे हिसाब से अभी सारा का सारा जो काम है वो हो गया है। और अभी बस ये जो गेट है ना इसको मुझे नीचे गिराना है। ये आवाज़ किसकी आई? अच्छा उसी की थी, ठीक है। हाँ यहाँ पर मुझे पैटर्न बना रहा है, सबसे पहले तो बना दिया है। बट यहाँ पे ब्लू नहीं 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 यहाँ ब्लू लाइट आएगी, यहाँ पे ब्लैक लाइट आएगी, यहाँ पे अरे हाँ सही है। और राइट तो इस पजल को सॉल्व करने में मुझे काफ़ी ज़्यादा टाइम लग गया, क्योंकि जैसा कि यहाँ पे राइट में जो पिक्चर दी गई है इसमें ना ये वाला जो ब्लैक वाला है ना यहाँ पे नीचे की तरफ है, लेकिन ना यहाँ पर ये वाला जो ब्लैक है ना ये राइट में है। मतलब ये जो पिक्चर है ना ये उल्टी रखी हुई है, मतलब थोड़ी सी टेढ़ी। तो अगर मैंने इसके हिसाब से तो मैंने सबको सेट कर दिया है, अगर मैं ना इसको यहाँ पे ब्लू कर दूँ तो शायद से बात बन सकती है। और यहाँ पे जो बात है वो बन चुकी है, और यहाँ पर ना अभी मैं ऐसे ऊपर की तरफ कर सकता हूँ फाइनली। तो फटाफट से इसको ऊपर की तरफ कर देते हैं और सारा का सारा पानी निकाल देते हैं, जिससे कि वो जो बड़ी मछली है वो यहाँ पर पानी के लिए तरस जाए। और वो यहाँ पर तरसने वाली है, वो तरसना स्टार्ट हो चुकी है और अभी इसका पता नहीं क्या होने वाला है। फिलहाल ना मुझे यहाँ से बाहर की तरफ निकलना है, क्योंकि पानी तो मैंने सारा का सारा बाहर निकाल दिया है, जो कोई नहीं कर पाया वो मैंने यहाँ पर कर दिया है। ऑलराइट, और वो ये रहा, मैं गन में एमओ वगैरह सब कुछ रिलोडेड है मेरे पास। ऑल राइट, और अभी ना इसको मैं बताता हूँ, ये बहुत ज़्यादा बन रहा था ना अपने आप में मोर याओ, इसकी सारी मोड निकल गई। ऑल राइट, इसको मारने में तो अब मज़ा आने वाला है। मेरी गन में सब रिलोडेड है ना? हाँ ठीक है। इसके अंदर क्या है? थाउजेंडली, ओके। यहाँ पर पड़ा हुआ है। ऑल राइट, तो यहाँ पे इस नोट में लिखा हुआ था कि कुछ काउडो करके कुछ है जो कि चार लोगों के पेट में डाला गया था, विलेज में से बुलाया था उन चार लोगों को। ऑल राइट, सबसे पहले तो मैं ना इसको ज़रा इक्विप कर लेता हूँ। क्या मिला मुझे अभी? ये मिला है, इसमें होगा नहीं, इसमें होगा इक्विप। ऑल राइट, मतलब इसकी जो एमो कैपेसिटी है ना ये भी यहाँ पर इंक्रीज़ हो गई होगी। इंक्रीज़ नहीं हुई है क्या? कोई दिक्कत नहीं है। और स्नाइपर है मेरे पास, शॉटगन है, और इसमें ना एक एमओ रिलोड नहीं होनी चाहिए, पता? और ज़्यादा रिलोड होनी चाहिए थी। खैर कोई दिक्कत नहीं है, शॉटगन है मेरे हाथ में, नहीं शॉटगन ठीक है। यहाँ पर और भी कुछ चीज़ें पड़ी हैं, इनको फटाफट से उठा लेता हूँ क्योंकि काम में आएगी मेरे। ऑल राइट, किधर है ये? ओ हेलो, ओके ये आ चुका है। ओ भाई भाई भाई, तेरी तो ढोल हूँ, अब तेरा मरने की बारी आ गई है। तेरी तो निकल, भागो इधर से, क्योंकि ये ना शायद एसिड की लेन कर रहा है जो कि मेरे लिए बिल्कुल भी अच्छी नहीं हो सकती है। ओके भागो 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 भागो, शिट। जैसा कि मैंने सोचा था ये एसिड की रेनी है। इधर क्या? हेलो मैं इधर हूँ। ओ हेलो, खोल अपना मुंह। ओ भाई भाई भागो 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 भागो। अरे नहीं 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 तेरी ऐसी कम तैसी, खोल अपना मुंह, खोल खोल। अबे वो कहाँ गया इसके मुँह में गिरा? मरेगा तू, भागो। ओ कहाँ चला गया ये? ओ भाई भाई ये एसिड रेन कर रहा है। ओ मर गया, ये क्या था? शिट 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 शिट, मुझे हेल्थ मारनी होगी, गलत काम में आ गया मैं। ऑल राइट, इधर हूँ मैं, आ जा। ये अभी भी एसिड रेन कर रहा है क्या?
क्या कर रहा है? नीचे हूं मैं। मेरी ऐसी कम तैसी। भागो इधर से। ऑल राइट, तो मेरे हिसाब से ना मैंने इसको ख़त्म कर दिया है। मारेगा ये, फूटेगा, फूट जा। और ये यहाँ पे फूट चुका है। खत्म, क्रिस्टल मोरियाओ। किधर है इसका, मिल गया क्या मुझे? ओ भाई, इनको फोड़ दो। चलो यहाँ पे कुछ था ना, इन सबको फटाफट से जो है मैं कलेक्ट कर लेता हूँ। और यहाँ से निकलने की बारी आ चुकी है मेरे हिसाब से। निकलूँ किधर से? यहाँ पे रास्ता ढूंढना पड़ेगा। यहाँ पे यहाँ से आया था ना मैं, मेरे हिसाब से मुझे जो है यहीं से जाना पड़ेगा। या फिर नहीं, नहीं तो यहाँ पे कोई रास्ता नज़र नहीं आ रहा है मुझे। नहीं, मुझे रास्ता ढूंढना पड़ेगा। ऑल राइट, वो यहीं पर ही है, मतलब जहाँ पे मैंने उसको मारा था ना वहीं उसका एग्जिट था। तो मुझे वापस से अभी बाहर की तरफ जाना पड़ेगा और वापस से मैं अपने मोटू के पास जाऊँगा, यानी कि ड्यूक के पास, और उसे एक खुशखबरी सुनाने वाला हूँ मैं। यहाँ पे शायद ये पहले गेट बंद था, इसके अलावा तो यहाँ पे कुछ नज़र ही नहीं आ रहा। यहाँ पे दरवाज़ा यहाँ पे खुली ना, मेरे पास चार पंख वाले है, चार पंख वाले के अलावा यहाँ एक सेकेंड यहाँ। ऑल राइट, तो यहाँ पर है वो दरवाज़ा। ऑल राइट, तो यहाँ पर ना इसमें कुछ लिखा हुआ है और इसके हिसाब से ना यहाँ पर जो ओके, तो यहाँ पर जो चाबी है वो मुझे मिल चुकी है, ठीक है। हाँ, तो मैं क्या कह रहा था, जो मदर मिरांडा ना उसका जो बेटा है ना वो यहाँ पर मर चुका है काफ़ी टाइम पहले, इसी के चक्कर में उसने ना यहाँ पर रोज़ की जो बॉडी है वो यहाँ पर ली हुई थी। और यहाँ पे टीवी में क्या आ रहा है? ये मेरे हिसाब से वही होगा। You're the last asshole in my way. ये एक recorded, pre-recorded message है मेरे लिए। Fight. I'll give you that, Ethan. नहीं, ये हाइजेनबर्ग है। When you have all four flasks. What are you trying to get at? I could lend you a hand. Not trying to get on my good side? I don't get cocky. I'd kill you if you weren't worth the trouble. All right, Chris is not too far outside the village. Go there and get my flask. Do that and you pass. Nahi Eisenbach hai kyunki isi ke paas next flask hai. Okay, to ek graveyard mein jane ke liye bol raha hai. Theek hai. हाँ, तो इसके हिसाब से जो उसका मदर मिरांडा का जो बेटा है ना वो मर चुका है, मतलब उसका जो चाइल्ड है वो मर चुका है काफ़ी पहले, इसी चक्कर में वो ना यहाँ पे रोज़ का रोज़ को यूज़ कर रही है एक सेरेमनी में, जहाँ पर कि सबके पास एक वेसल होगा, मतलब वही फ्लास्क काडो। हाँ, ये वही चीज़ है जो कि यहाँ पे पेट में डाला गया था विलेजर के। और ये अभी भी जिंदा है। ओ भाई, मैंने इसको फोड़ दिया है, क्या करूँ मैं, कुछ नहीं कर सकता इसका। ऑल राइट, इसके अलावा मेरे पास चाबी तो मतलब मिल चुकी है, यानी कि मैं वहाँ पर जा सकता हूँ, इतना तो पक्का है। बट पीछे की तरफ यहाँ पर कुछ देखने के लिए नहीं है, तो फटाफट से उस गेट को यहाँ पे ओपन कर लेता हूँ और जाता हूँ इस ग्रेवयार्ड में, क्योंकि यहाँ पर वो मुझे ग्रेवयार्ड में बुला रहा है, यानी कि मुझे वहीं पर जाना होगा। ऑल राइट, तो ये दरवाज़ा हो चुका है ओपन और गन को रिलोड है। एक सेकेंड, ये तो वही जगह है जहाँ से मैं ऊपर की तरफ गया था। यहाँ पर कुछ है क्योंकि, हाँ यहाँ पर कुछ है, यहाँ पर जाना है मुझे क्योंकि मैं यहीं से आया हुआ था जहाँ तक मुझे पता है। ऑल राइट, ओके, लिफ्ट से ऊपर की तरफ जाना होगा मुझे वापस से। ऑल राइट, तो फिर से मैं 6-7 मंजिल चढ़कर जो है ऊपर की तरफ आ गया हूँ। अभी यहाँ पर जाना है मुझे और ऊपर की तरफ, क्योंकि कम से कम 6-7 मंजिल तो वो लिफ्ट मुझे नीचे की तरफ लेके गई थी, खैर ऊपर की तरफ ले आई है। और यहाँ पर मैं उसी जगह पर वापस आ चुका हूँ। खैर यहाँ पर जो है शाम का टाइम हो चुका है और मैं वैसे आया था यहाँ से सीढ़ी चढ़ के, और मेरे हिसाब से मुझे जाना होगा लैबोरेटरी, शायद मुझे यहाँ जाना होगा। यहाँ के लिए शायद ये जो क्रैंक है ये लग सकता है। ऑल राइट, जो कि लग चुका है। मुझे ना वहाँ से कुछ भी ऐसी चीज़ नहीं मिली जिससे कि मैं पीछे वाला जो पज़ल है उसे सॉल्व कर पाऊँ।
ओके, यानी कि मैं सीधा सीधा यहीं पर चल लेता हूँ। हो सकता है इसके अंदर लेबोरेटरी में जाने के, मतलब जब मैं वहाँ से बाहर आ जाऊँगा उसके बाद हो सकता है मुझे यहाँ पे कुछ मिल जाए, क्योंकि अभी अगर मैं अपने उसमें देखूँ ना तो यहाँ पर कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जिसको कि मैं उस पज़ल में डाल सकता हूँ। वो पज़ल, मैं उसी पज़ल की बात कर रहा हूँ जो कि यहाँ पर पीछे की तरफ है, यानी कि वो गोल गोल घुमाने वाला। खैर, अभी मुझे किधर जाना है ये मुझे पता नहीं है, लेकिन ये रास्ता मुझे, मेरे हिसाब से मैंने इसको मार दिया है तो ये रास्ता मुझे वापस से यहाँ पर लेके आएगा ऐसा कुछ, क्योंकि यहाँ पर तो कुछ नहीं है, वो तो यहाँ पर अभी देख कर ही पता चलने वाला है। दो रास्ते गए हैं, इस रास्ते पर जाऊँगा, थोड़ी बहुत ली मिल जाएगी। ओके, कौवा है, क्या है, ड्रैगन है। ओके, तो यहाँ पर कुछ जानवर है अजीब से। तेरा दोस्त भी आ गया, ऑल राइट, तो तू भी आ गया। मर जा। ओके, तो तीन वल्चर्स को मैंने मार दिया है, जो भी था ये वल्चर था, जो भी था कीड़ा चमगादड़ थे, जो भी था इनको मैंने मार दिया। बट यहाँ पे और भी हैं। ओ भाई भाई, ओ जमीन में से कैसे निकला बे? यहाँ पर कुछ भी हो सकता है तो मुझे जरा संभल के चलना पड़ेगा। ये क्या है, मैग्नम एमो, इसके अंदर भी आएगा ये, मैं सोचा था ना। ओ भाई पीछे, ओ मारेगा मुझे। ऑल राइट, तो यहाँ का एरिया तो मैंने क्लियर कर दिया है, बट यहाँ पर एक टेम्पर टाइप का है, इसे हमको कुछ मिलेगा क्या? ओके, मरमेडियट बॉल जो है कुछ मिला है मुझे, इसको तो मैंने देखा ही नहीं था जब मैं आया था उस साइड में। बट यहाँ पर भी एक रास्ता जा रहा है तो मेरे हिसाब से मुझे ना इस वाले रास्ते पर जाना चाहिए। तो यहाँ पर इसकी सीक्रेट लैबोरेटरी थी, लैब थी मतलब, और इसके अंदर कुछ है, एक और गन, इसको जो है मैंने अपने पास रख तो लिया। मेरे हिसाब से ना ये शॉर्ट गन जैसे ही काम में आने वाली है, कोई दिक्कत नहीं है। फटाफट से 5 एमओ आएंगे। ओ भाई, कोई ना कोई है। ओ भाई, ये क्या कर रहा है? तुझे अबे अबे मरवा दिया तूने। हो क्यों नहीं रहा इसको? चार चार शॉटगन की एमो खा गया भाई ये। चलो भाई, ये भी गया। अच्छे खासे में जो हेल्थ है ये कम करवा देता है मेरी। मेरे हिसाब से यहाँ पर और कुछ है नहीं यार। ऑल राइट, तो मैं नीचे की तरफ तो आ गया हूँ, बट यहाँ पे आवाज़ें कह की आ रही है ये। अच्छा, इस विंड मिल की आवाज़ आ रही है। गेट तो अब तक खुल जाएगा ना यहाँ से। मुझे वापस से अपने ड्यूक के पास जाना पड़ेगा। अबे स्नाइपर नहीं, शॉटगन। दिस वे। और तो यहाँ पर कुछ है भी नहीं है ढूंढने लायक। दिस बाय दिस वे पापा। वाओ, कुछ भी मतलब। सामने की तरफ एक और है, उसको भी ज़रा मैं देख लूँगा, उसके अंदर शायद कुछ मिल जाए। वैसे यहाँ पे कुछ मतलब मैं अपने विलेज में आ गया हूँ। रोज इज़ वेटिंग फॉर यू, द शो मस्ट गो ऑन। ठीक है, मुझे इस रास्ते पे जाना है। पहले शायद ये रास्ता था नहीं, और यहाँ पे 6 वाला है, मतलब कि मुझे इसी के अंदर जाना है। बट इससे पहले मैं इसके अंदर जाऊँ, उससे पहले ज़रा मैं अपने प्यारे से उससे मिलके आता हूँ, ड्यूक से। ऑल राइट, तो इससे जो है मैंने चीज़ें जो है काफ़ी सारी अपडेट करा ली हैं। अब बस मुझे ग्रेवयार्ड में जाना है, जहाँ पर कि मुझे मैसेज मिला हुआ था, मतलब कि उस 6 वाले दरवाजे की तरफ, क्योंकि यहाँ पर कोई दरवाज़ा नहीं है। बट अगर मैं मैप में वो दरवाज़ा देखूँ ना, तो यहाँ पर इसका जो दरवाजा, मतलब इसका जो आइकॉन है वो यहाँ पे आने लगा है। मुझे लगा था कि यहाँ पे आएगा, बट अभी यहाँ पर आ रहा है, यानी कि मुझे इसी वाले रास्ते से होते हुए इस हाइजेनबर्ग के पास जाना पड़ेगा।
और ये मेरे हिसाब से लास्ट है, इसके बाद कोई और लॉर्ड नहीं बचा जिसको कि मुझे मारना हो, बस उसके बाद तो सिर्फ एक ही लॉर्ड बचा है जो कि है अपनी मदर मिरांडा। तो मेरे हिसाब से ये वाला जो रेसिडेंट एविल 8 का जो एपिसोड है ये आपको पसंद आया होगा, और अगर आपको पसंद आया है तो जल्दी से अपनी तरफ से वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिए, और इस वीडियो को जो लाइक्स का टारगेट है वो हम रखते हैं 1000 लाइक्स का, तो मेरे हिसाब से 1000 लाइक्स का जो टारगेट है वो कंप्लीट करा देंगे, और मैं आपको मिलता हूँ रेसिडेंट एविल 8 के नेक्स्ट वाले एपिसोड में ऐसी किसी मजेदार वीडियो के साथ। तब तक के लिए हमेशा की तरह खुश रहिएगा।